एक्ट्रेस राखी सावंत अक्सर अपने बेपाक बयान की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में राखी को जिम के बाहर स्पॉट किया गया और पेपराजी से बातचीत के दौरान राखी ने बातों बातों में यह बता दिया कि खतरों के खिलाड़ी 11 का विनर कौन है। जी हाँ, जिस जानकारी को मेकर्स ने अभी तक सीक्रेट रखा था, राखी ने उस नाम का खुलासा कर दिया है। हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 11 की टीम केप टाउन से शूटिंग कर मुंबई वापस लौट आई है। इस बारे में जब राखी से बात की गई तो उनका कहना था, खतरों के खिलाड़ी से सब लोग आ गए, कल आ गए रात में। हाँ, वेलकम वेलकम एवरीवन, बैक टू होम राहुल, वैद्य वेलकम, श्वेता, दिव्यांका, अर्जुन बिजलानी जीत गया ना शायद। हाँ, वही अभिनव शुक्ला। अच्छा, वो भी आ गया, सब आ गए। केआरके की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सलमान खान के साथ हुआ विवाद अभी तक कम नहीं हुआ था कि अब गायक अभिनेता अली कुली मिर्जा ने केआरके पर अपनी ही कजन के साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अली कुली मिर्जा का कहना था, देखिए भैया, मेरा नाम अली कुली मिर्जा है और जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला और ना ही मैं कंट्रोवर्सीज़ में आता हूँ, कभी मैं कंट्रोवर्सीज़ में आई नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ काम करना है, अपने शोज़ करने हैं, गाना गाना है। ये जो बोलता है कि मैं लोगों के पैरों में पड़ा हूँ, इधर गया हूँ उधर गया हूँ, भैया मैंने मिर्ज़ापुर किया, बिग बॉस किया, इश्कम गाना मेरा 100 मिलियन पे आया, मेहनत पर बिलीव करते हैं। किसी के काम में, किसी की रोज़ी रोटी में दखल दे के उसे कुरेदते नहीं, उनके जख्मों को हरा नहीं करते, ये मेरी परवरिश में कभी सिखाया नहीं गया है। और इसका जवाब भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया वाले उस सच को समझें जो किसी ने आज तक सुना नहीं है। केआरके ने अपनी वीडियो में कहा कि मैं उसके घर जाता था और फिर मेरे पास वो आता था, फिर एक दिन मैंने उसको धमका दिया, बोला तू मेरे घर में ना आना, ये बात बिल्कुल सच है। मैं उसके घर जाता था क्योंकि वो मुझे फ़ोन करके बुलाता था कि अली भाई पार्टीज़ हो रही है, आइए गाइए, यहाँ पर 10 लड़कियाँ 12 लड़कियाँ। मैंने, देख भाई, मैं आई एम नॉट इनटू वुमेन, मैं अपना काम करता हूँ, अगर तेरे पास कोई काम है तो बता। तो जब मैं वहाँ गया, इसने दोस्ती बोली, भाई आप भी मुजफ्फरनगर के, जो मुझे बोल रहा है कि वो मुजफ्फरनगर से, खुद रुड़की से, तो बोला आप भी आओ मिलो। मैं उसके घर गया तो वहाँ पर एक लड़की थी, आइए मैं आपको ये सच बताता हूँ, तो उससे मेरी दोस्ती हुई। मैंने, आप कौन हो? बोले केआरके ने बोला है मेरी दोस्त है, यू नो शी इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। और फिर जब से दोस्ती हम खाने पे मिले बाहर चाय बात, तो उसने बोला कि ही इज़ माई कज़न। मैंने बोला कज़न? आई वाज सो शॉक्ड दोस्तों, मैं इतना शॉक हो गया कि उस लड़की का माइंड वॉश करके उसके साथ लिव इन में ही रह रहा था। ही वॉज लिविंग इन लिव इन के उसको हीरोइन बनाएगा, ना सिर्फ वो लड़की, पता नहीं कितनी लड़की उसे, लेकिन इस लड़के कन्फर्म में इसलिए बिकॉज मैं उसको जानता था। उससे बात हुई, उस बेचारी को फेक होप में कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा, मैं तुम्हें इस बॉलीवुड में, बॉलीवुड मुझसे डरता है, मेरा दबदबा है एक्स वाई जी। तो मैंने उससे बोला, मैंने, भाई ये गलत कर रहे हो कि तुम कज़न बोल के, तुम्हारी कज़न है वो और तुम उसको दोस्त बोल रहे हो, और तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, इसने उसको लिव इन के चक्कर में अपनी फैमिली को दुबई में भेजा और यहाँ पर ये अय्याशी में, यहाँ माड़ा में, बंगलों में रह रहा था। मेरे पास में वो वीडियोज़ हैं जो तेरे और उसके हैं मेरे पास में, अगर तू फालतू बोलेगा तो आज शाम तक उन वीडियोस को मैं डाल दूंगा, वो पिक्चर्स को मैं डाल दूंगा जो तेरे अश्लील पिक्चर्स हैं, वो सब मेरे पास में हैं, जो तूने वो हरकतें की हैं, तू अपने आप को इंसान कहता, तू है तेरे ऊपर, तू मेरा चरित्र हरण करेगा? भैया हमने काम किया, जा जो कर सकते हो तुम करो, भी पैड बनाया हुआ है, तुम अपनी उम्र देखो और अपनी उम्र से आधी लड़कियों को तुमने घर में लिव इन में रखा हुआ है। ये तो एक है दोस्तों जिसका पास मेरा सबूत है, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जब ये वीडियो वायरल होगा और बाहर आएगा और वो बाहर निकल के बोलेंगी कि केआरके ने मेरे साथ भी ऐसा किया है। इसके बाद उनका कहना था, अनगिनत लड़कियां और इसका शोषण करेंगी तो एक नया मीटू का कैंपेन चलेगा जिसमें सिर्फ वो मीटू इस केआरके के लिए होगा। इतनी लड़कियां बाहर आएंगी बिकॉज इसने सिर्फ अय्याशियां की है, इसने सिर्फ शोषण किया है, अय्याशियां की है, वो लड़कियां बाहर आएंगी। और मेरी अपील है उन बहनों से कि आप बाहर आएं, और जब आप एक ऐसे सांप को कुचलेंगी तो जमाने से गंदगी खत्म होगी।
अभिनेता अक्षय कुमार और नुपुर सेनन की जोड़ी एक बार फिर म्यूजिक वीडियो फिलहाल टू मोहब्बत में नजर आएगी। गाने से जुड़ा फर्स्ट लुक पोस्टर आज रिलीज हो चुका है, जिसे अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्टर में अक्षय बाइक चला रहे हैं, जबकि नुपुर उनके पीछे बैठी नजर आ रही है। नुपुर सेनन कृति सेनन की बहन है। फिलहाल टू मोहब्बत गाने को बी प्राक ने गाया है, वहीं गाने को जॉनी ने बनाया है। इस गाने का निर्देशन अरविंद खेरा ने किया है। फिलहाल गाने के माध्यम से अक्षय और नुपुर पहली बार साथ नजर आए थे, जिसे काफी पसंद किया गया। इस गाने को भी बी प्राक ने ही गाया था। इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। अभिनेता सोनू सूद के हमने कई रूप देखे हैं। फिल्मों में कभी उन्हें हीरो बनते देखा तो कभी विलेन। वहीं रियल लाइफ में लॉकडाउन के दौरान सोनू लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। अब उनका एक नया रूप सामने आया है। सोनू ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो साइकिल पर अंडा और ब्रेड बेचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सोनू बता रहे हैं, बॉस कौन बोलता है मॉल बंद हो गया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा महंगी सुपरमार्केट रेडी है। ये देखिए सब कुछ है मेरे पास। अंडा है जो इस समय 6 रुपए का मिल रहा है, और उसके बाद ब्रेड है बड़ी वाली जो 40 रुपए की है, छोटी वाली ब्रेड 22 रुपए की है, साथ में पाव है, रस है, मूढ़ी है और बहुत सारे चिप्स वगैरह है। जिसको भी चाहिए आगे आइए भाई, तो जल्दी से जल्दी मुझे ऑर्डर कीजिए। मैं अभी डिलीवरी का टाइम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं बॉस। तो मिलते हैं बॉस, सोनू सूद की सुपरमार्केट एकदम हिट है बॉस, चलते हैं बॉस। इस वीडियो को सोनू के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी सोनू कभी चाकू बेचते दिखे थे तो कभी बैंड बजाते दिखे थे। INS रिपोर्ट। Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.